हेलो सुमन अमित है दोस्तों, आज ना मेरे पास में HP Victus 15 गेमिंग लैपटॉप के दो वर्जन्स हैं, दो मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स में यहाँ पे बोलूंगा, विच इज द Ryzen 5 7000 सीरीज 7535HS वाला और ये कोर i5 13 जनरेशन वाला, विच इज द i5-13420H वाला प्रोसेसर। दोनों ही के प्राइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, जहां पे Ryzen वर्जन प्राइस करा गया है 57,000 अप्रोक्सीमेटली, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ Amazon पे प्राइस देख के आपको बता रहा हूँ, और जो i5 वाला वर्जन है 13 जनरेशन वाला, इट इज 65,000 विद द 16GB ऑफ रैम कम्पेयर टू द 8GB रैम ऑन द Ryzen वर्जन। तो दोनों ही के प्राइजेस काफी ज्यादा सिमिलर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब बहुत ज्यादा लोगों को डाउट है, और सिर्फ इसी लैपटॉप के लिए नहीं, आप ये वीडियो बाकी के लैपटॉप्स के लिए भी कंसीडर कर सकते हो, जिनमें ये दोनों सेम प्रोसेसर्स हैं। इस वाले कंपैरिजन को फेयर बनाने के लिए मैंने दोनों ही लैपटॉप्स ना RTX 2050 ग्राफिक के साथ में परचेज करे हैं, तो यहाँ पे डिटेल में कंपेयर करेंगे, बेंचमार्किंग देखेंगे, SSD की स्पीड देखेंगे, रियल टाइम वीडियो रेंडरिंग भी करके दिखाऊंगा आपको दोनों ही प्रोसेसर्स के साथ में, जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों लैपटॉप्स में हाथ में पकड़ नहीं सकता, एक लैपटॉप पीछे रख दिया है विच इज अ Ryzen वाला वर्जन, और ये पीछे इसलिए रखा है क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू द इंटेल वाला वर्जन। Ryzen वाला यहाँ पे 2.37 किलोग्राम्स वेट करता है, इंटेल वाला 2.29 किलोग्राम्स वेट करता है, मतलब 80 ग्राम के आसपास हल्का निकल के आ रहा है। दोनों ही के जो डायमेंशन है वो सेम है, 23.5 मिलीमीटर की दोनों ही की थिकनेस निकल के आ रही है, बैटरी कैपेसिटी भी सेम है। आई डोंट नो व्हाई जो Ryzen वर्जन है वो थोड़ा सा ज्यादा भारी निकल के आ रहा है, प्रोसेसर क्या वेट डाल रहा है इसमें, बिकॉज ग्राफिक भी सेम है, इनफैक्ट 2050 ग्राफिक है दोनों वर्जन का मेरे पास में। तो लुक्स वाइज दोस्तों मैं बोलूंगा कि Victus दोनों ही काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। इस कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए मैंने दोनों ही के सेम कलर भी ऑर्डर करे हैं, विच इज दिस ब्लू कलर, और भाई ये मैंने दुबई से परचेस कराया थ्रू कंप्यूटर केयर दुबई, यहाँ पे मुझे अच्छा प्राइस मिल गया इस लैपटॉप का, इंडिया में 57,000 के आसपास का अवेलेबल है, मुझे यहाँ पे 50,000 के आसपास का मिल गया HP Victus। डिस्प्ले भी दोस्तों सेम रखी गई दोनों ही लैपटॉप्स की, विच इज द 15.6 इंच फुल HD 144 हर्ट्ज वाली 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आती है, और भाई 45% का NTSC है। दोनों ही डिस्प्ले मैंने यहाँ पे सेट करी अलग अलग एंगल्स से, और बिल्कुल भी कोई डिफरेंस मेरे को नजर नहीं आया दोनों ही डिस्प्ले में, काफी ज्यादा डिसेंट मैं बोलूंगा इस वाले डिस्प्ले को कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप। फिर यहाँ पे स्पीकर्स आते हैं, अब स्पीकर्स भी दोस्तों दोनों ही लैपटॉप्स में B&O के देख रखे हैं, विच इज बैंग एंड ऑलफसन, प्रीमियम ऑडियो ब्रांड है, और दोनों ही लैपटॉप्स में दोस्तों 2-2 वाट के दो स्पीकर्स नीचे की तरफ देके रखे हुए हैं ठीक यहाँ पे। कैसे साउंड करते हैं मैंने स्पीकर कंपेयर करा है, आप आगे सुनो। ये तो सब स्पीकर्स, फिर यहाँ पे बात करते हैं वेबकैम के बारे में। यहाँ पे 720p का वेबकैम है, जो कि मैंने अपने रिव्यू वीडियो में आपको बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 1080p वाला रेजोल्यूशन दे देना चाहिए था, बिकॉज ये लैपटॉप ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परचेज करेंगे, और कोई भी स्टूडेंट जिसको कि ज्यादा हैवी रेंडरिंग वाला काम रहता है, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला रहता है, या फिर किसी को गेमिंग करनी है, तो वो क्या है कॉन्फ्रेंसिंग ज्यादा करते हैं। तो ब्रांड्स अगर यहाँ पे 1080p वेबकैम देने लग जाए कंसिडरिंग द नीड फॉर अ बेटर वेबकैम, तो यहाँ पे अच्छा होगा। 720p वेबकैम कैसे साउंड कर रहा है, कैसा दिख रहा है, वो आप आगे देख सकते हो। गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है HP Victus इंटेल और Ryzen दोनों ही के वेबकैम के साथ में। इट्स 720p वेबकैम, जो कि मुझे लगता है कि 1080p एटलीस्ट होना चाहिए था, और मैं यहाँ पे दोनों ही आपको साइड बाय साइड लगा के दिखा दूंगा कि कौन सा बेटर निकल के आ रहा है। वैसे दोनों ही सेम एंगल पे लगाए हैं, जहाँ पे पीछे की तरफ से लाइट आ रहा है, जिससे कि एक्सपोजर अच्छे से मालूम पड़ जाए, और जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो भी यहाँ पे मैं स्विच करके आपको दिखा दूंगा कि किसकी बैटरी निकल के आ पा रही है, वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिर यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। अब एक्चुअल डिफरेंस जो है ना वो यहाँ निकल के आ रहा है, बिकॉज एक हमारे पास में Ryzen वर्जन है, दूसरा इंटेल वाला वर्जन है। Ryzen वर्जन में 6 कोर CPU मिलता है, इंटेल वर्जन में वही 8 कोर CPU मिलता है। Ryzen वर्जन PCIe 4.0 को सपोर्ट करता है, इंटेल वर्जन PCIe 5.0 को सपोर्ट करता है, जिसके चलते जो SSD की स्पीड्स है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इंटेल वर्जन में थोड़ी सी बेटर निकल के आ रही है ऑन द HP Victus विद द 13th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर। Geekbench के स्कोर्स वही मैंने रन करे, बिकॉज इंटेल वर्जन में 8 कोर CPU
सीपीयू देके रखा हुआ है, और मैंने एक बार नहीं दो बार रन करे, और ये तो गीकबेंच के स्कोर्स दोस्तों मैंने रन करे हैं ना, ये बैटरी पावर पे रन करे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग बैटरी पावर पे ही यूज करते हैं अपने लैपटॉप को। तो सिंगल कोर में देख सकते हो आप बड़े मार्जिन से हरा दिया है एएमडी वाले वर्जन को, इंटेल वाले वर्जन ने, जहां पे एएमडी वाला जो वर्जन है वो 1800 समथिंग स्कोर कर रहा है, इंटेल वर्जन 2140 स्कोर कर रहा है। तो इट्स अ बिग लीप, मैं बोलूंगा 10-15% ऊपर स्कोर्स हैं। लेकिन वहीं मल्टी कोर में सरप्राइजिंगली डिस्पाइट ऑफ हैविंग मोर कोर्स, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग इन द गीकबेंच, लेकिन यहाँ पे 5510 के ही स्कोर्स निकाल के दिए हैं सिर्फ, जबकि राइजन वर्जन ने काफी अच्छा करा है कंपेयर टू द इंटेल, 20% का जंप मार दिया भाई साहब मल्टी कोर स्कोर में। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि दोनों ही प्रोसेसर्स मोर और लेस सिमिलर ही है। वहीं मैंने फिर सिनेबेंच रन करा, सिनेबेंच R23, तो उसके स्कोर्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वहां पर इंटेल ज्यादा बेटर निकल के आ रहा है बोथ इन सिंगल कोर एंड मल्टी कोर, लेकिन जो मार्जिन है जिससे बीट कर रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 10% का मार्जिन आप बोल सकते हो कि 10% स्कोर्स बेटर निकाल के दे रहा है इंटेल वाला वर्जन। वहीं अगर नेटवर्क स्पीड की बात करें तो इंटेल वाले वर्जन में वाईफाई 6E मिलता है, विच इज द लेटेस्ट वर्जन, और यहाँ पे एएमडी वाले वर्जन में वाईफाई 6 मिलता है, विच इज द ओल्ड वर्जन। तो थोड़ी सी नेटवर्क स्पीड बेटर निकल के आ जाएगी ऑन द इंटेल वाला वर्जन। मैंने दोनों ही लैपटॉप्स के साथ में इंटरनेट ब्राउज करा, बेसिक ब्राउजिंग में किसी में भी डिफरेंस बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जब आप बड़ी फाइल्स डाउनलोड करते हो व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अ वेरी हाई स्पीड इंटरनेट, तब जाके आप यहाँ पे डिफरेंस पता लगा पाओगे कि वाईफाई 6C थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू द वाईफाई 6। मेजर डिफरेंस रियल लाइफ में फेस नहीं कर पाओगे। वहीं एएमडी किन चीजों में बेटर है, एएमडी के अंदर दोस्तों हमें 6 नैनोमीटर का टीएसएमसी का प्रोसेस मिलता है, मतलब ये जो बिल्ड करा गया है ये 6 नैनोमीटर के प्रोसेस में बिल्ड करा गया है, जो कि इसको ज्यादा पावर एफिशिएंट बना देता है। दोनों ही लैपटॉप में दोस्तों वैसे तो 52.5 वाट आवर की बैटरी है, कितना टाइम चल रहे हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन दोस्तों एएमडी वाला वर्जन डेफिनेटली 6 नैनोमीटर है कंपेयर टू 10 नैनोमीटर ऑन द इंटेल वाला वर्जन, तो बैटरी आपकी ज्यादा बचाएगा। कैश मेमोरी भी दोस्तों इसमें ज्यादा देकर रखी हुई है कंपेयर टू द इंटेल वाला वर्जन। मेन चीज जो है ना दोस्तों वो है कि ये जो एएमडी वाला वर्जन है इसके साथ में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक देके रखे हुए हैं, which is the AMD Radeon 660M, वो काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं compared to the Intel Iris Xe graphic on the Intel version, और जब मैंने ग्राफिक की स्पीड टेस्ट करी with the dedicated CPU, तो वो यहाँ पे सेम ही निकल के आ रहे हैं, डेडिकेटेड जीपीयू के साथ में RTX 2050 के साथ में सिमिलर ही रिजल्ट्स निकाल के दे रहे हैं दोनों ही लैपटॉप्स। और उससे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है रैम की स्पीड में, जहां पे इंटेल वाले वर्जन में DDR4 3200 वाली रैम का सपोर्ट है, वहीं AMD वाले वर्जन में DDR5 रैम देके रखी हुई है भाई, which makes a real difference। Intel वाला वर्जन 65,000 का अवेलेबल है, AMD वाला वर्जन 57,000 का अवेलेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई 8GB की रैम जो इसमें देके रखी हुई है, आप अपग्रेड भी कर सकते हो, considering that ये मेरे ख्याल से एक बेटर वैल्यू फॉर मनी डील बन सकती है compared to the Intel, because प्राइस में लगभग 8,000 का डिफरेंस हो गया, और परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी निकल के आ रही है, काफी रेलेवेंट है आज के टाइम पे अगर आप लेते हो ये। तो बैटरी लाइफ के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स में छोटी बैटरी देके रखी हुई है 52.5 वाट आवर की, कंपटीशन से अगर कंपेयर करते हैं तो 60-65 हज़ार में तो भाई हमें बड़ी बैटरी मिल जाती है, 70 वाट आवर 90 वाट आवर की भी मिल जाती है ऑन द ASUS TUF सीरीज। 57,000 में बैटरी जो है यहाँ पे डिजर्व करती है, लेकिन अगर आप इंटेल वाला वर्जन लेते हो 65,000, तो वहां पे आपको और भी अच्छे लैपटॉप्स देखने के लिए मिलते हैं अदर ब्रांड्स के साथ में। दोनों ही लैपटॉप्स में 150 वाट का चार्जर भी मिलता है, लगभग 1.5 घंटे के अंदर इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है, और सिंगल चार्ज में तो एएमडी वाला 15-20 मिनट ज्यादा चल जाता है कंपेयर टू द इंटेल वाला वर्जन। और भी सिमिलैरिटीज देके रखी हुई है, जैसे कि दोनों ही लैपटॉप्स के कीबोर्ड और ट्रैकपैड भी सेम है, कीबोर्ड यहाँ पे सिंगल वे बैकलेट वाला देखने के लिए मिलता है हमें, सॉफ्ट टच वाला कीबोर्ड है, और ट्रैकपैड का साइज भी डिसेंटली ही बड़ा देके रखा हुआ है, तो ज्यादा ही कुछ डिफरेंस नहीं निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट ज्यादा है ऑन द एएमडी वाला वर्जन, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंटेल की बेटर निकल के आ रही है, बहुत ज्यादा बेटर नहीं निकल के आ रही है, जिसके चलते कंक्लूजन ये निकल के आया इस वीडियो का कि मैं आपको एएमडी राइजन 5 वाला रेकमेंड कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली बिकॉज यहाँ पे जो प्राइस है उसमें 8,000 का डिफरेंस निकल के आ रहा है, इसीलिए ये मेरी चॉइस है। अगर आपको इंटेल वाला वर्जन सेम प्राइस में मिलता है या 1-2 हज़ार ज्यादा मिलता है, तो आप इंटेल वाला भी ले सकते हो, अगर इतना डिफरेंस है तो मैं आपको बोलूंगा कि एएमडी की तरफ भी आप जा सकते हो, विच इज नॉट अ बैड चॉइस एट ऑल। दोनों ही के लिंक्स एज आई सेड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो भाई आप में से लगभग 1.5% लोगों ने ही चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, बाकियों ने किया ही नहीं है, वीडियो देख के चल जाते हो फिर वापस भी आते हो वीडियो देखने, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। लाइक करना वीडियो को दोस्तों पसंद आई हो तो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो कि डिसीजन बनाना चाह रहे हैं कोई भी गेमिंग लैपटॉप लेने का। गेमिंग सिर्फ एक टर्म है, आप गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो अगर आप डिजाइनर हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, बेसिकली कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग वाला टास्क करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, उन सारे पर्पसेस के लिए आप ले सकते हो। और भी कोई वीडियो का सजेशन हो तो मुझे कॉमेंट करके बता देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।